लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। चिकन खाने वाले वालों के लिए एक बुरी खबर हो सकती है। हो सकता है इसे पढ़कर आप आज के बाद चिकन ना खाओ। डेली हेल्थ पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि चिकन में कैंसर के लिए जिम्मेदार कंपोनेंट आर्सेनिक पाया जाता है। आर्सेनिक एक फोटोसेंसिटिव मॉलिक्यूल होता है जो कि बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स को डेवलप कर देता है। इससे कैंसर सेल्स की ऑटोम्यूटेशन शुरू हो जाती है, जिससे एक बाद चार गुना कैंसर सेल्स बॉडी में बनने लगती हैं। होली के रंग, जंगली घास आदि में ये तत्व पाया जाता है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार आर्सेनिक एक नेचुरल कंपोनेंट है जो कि हवा, पानी और लैंड के जरिए डिस्ट्रीब्यूट होता है। यह पानी और फसलों के द्वारा भी बॉडी में पहुंचता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने कई ऐसी एग्जाम्पल दिए हैं जिनमें आर्सेनिक का हाई लेवल बहुत सारे कैंसर का कारण बना है। उन्होंने दो रिपोर्ट्स में आर्सेनिक और कैंसर के बीच के संबंध को बताया है। स्टडीज में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो पेस्टिसाइड का काम लंबे समय से कर रहे हैं। उन लोगों में लंग कैंसर होने चांसेस ज्यादा पाए गए हैं।